नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और कल फाइनली लेट नाइट आईपीएल रिजल्ट निकाला और अभी तक उन्होंने अपना वो चेंज नहीं करा है कि आपकी जो रिपोर्टिंग है उसका कोई नया शेड्यूल नहीं आया है और एज पर देम रिपोर्टिंग आपको वैसे ही करनी है जैसा आपको पहले कहा गया था, मतलब कि आज दोपहर को 2 बजे तक, राइट? कोई नहीं करेगा और किसी को करने की जरूरत भी नहीं है। और देखिए, यही मैं बताता हूँ कि जो मैं तो ये कहूँगा कि इनसिंसियर लोग होते हैं ना, क्योंकि आईपीओ इतना लेट चला है, चॉइस फिलिंग भी लेट हुई है, रिजल्ट है बहुत टाइम हो गया। अब इस कट ऑफ को देख के सब लोग घबरा रहे हैं कि सर ये क्या हो गया। मतलब जनरल कैटेगरी में दिल्ली की बात करें सो 2000 ऑल इंडिया रैंक पे बाबा साहब अम्बेडकर ख़त्म और 2362 पे ये ख़त्म, राइट? अब हम इस पर चलते हैं, ये है पूरी लिस्ट। ऊपर पहले आर्मी वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आईपीयू के अंदर 3 कॉलेज की काउंसलिंग होती है, 85% सीटें हैं जो दिल्ली स्टेट कोटा लगता है, अम्बेडकर और एनडीएमसी कॉलेज, और सभी सीटें आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। और हमें याद रखना चाहिए कि आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस बहुत महंगा कॉलेज है जिसकी फीस 5 लाख रुपये साल से ऊपर है। मैंने क्यों जिक्र किया? अब मेरे एक बड़ी प्यारी स्टूडेंट है जो कि आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में जाना चाहते हैं, ये बच्चा है शहर सूद में, ऐसे जानता भी नहीं, ऑल इंडिया रैंक 2001 है। मैंने ऐसे चेक करा कि इस बच्चे को अभी तक ऑलरेडी क्या मिला हुआ है, यानी ये जो राउंड वन की लिस्ट थी। अब जिस बच्चे को ऑलरेडी, और यही ना, ये सब लोग कर्स है दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली के 7 में से 5 कॉलेज का 85% एमसीसी में होता है। तो अब ये देखिए, बाकी स्टेट में क्या है ना, 85% स्टेट में आती है, तो ऑल इंडिया कोटा में चलो कट ऑफ ऊपर गई, जब आप स्टेट्स में भरते हो तो नीचे आपको सीट मिल जाती है। लेकिन जितनी भी कल सीटें रिलीज हुई हैं, ये सब के सब बच्चों को बहुत अच्छी सीट ऑल इंडिया कोटा से मिल चुकी है। अब दिस इज़ अ फैंटास्टिक कॉलेज कॉलेज राइट इन मुंबई। मैंने और अगला देखा, और अभी मैं आर्मी का दिखा रहा हूँ आपको, फिर मैं दिखाता हूँ जो नॉन आर्मी है, 3462 रैंक, 3462 रैंक भी बुरा नहीं है, और ऑलरेडी बच्चे के हाथ में शायद एम्स था। अब क्या एम्स छोड़ के आप 5 लाख साल की फीस से कॉलेज में जाओगे? मैं आर्मी कॉलेज मेडिकल साइंस की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन एक वहाँ पर वैसे ही जो एक रहने का पढ़ने का जो बाकी चीज़ है, और उसके अलावा भाई जब आपको गवर्नमेंट कॉलेज 1 लाख रुपये साल की फीस का मिल रहा है और कोई ख़राब कॉलेज नहीं मिल रहा है, 3462 रैंक पे इस बच्चे को मिल गया एम्स देवगढ़, लेकिन आपने आईपीयू का फॉर्म भर के सीट खराब कर दी। और सिर्फ राउंड वन में नहीं करी है, राउंड टू में भी करेंगे, क्योंकि आईपीयू में काउंसलिंग इतनी सिंपल है ना, आप ये 60,000 रुपये दोगे, ऑनलाइन प्रोविजन स्लिप आएगी, आप रिपोर्ट नहीं करोगे, आप फ्लोट कर दोगे, फिर राउंड टू में भी कर दोगे, और तब जाके आप छोड़ोगे सीट को, और जो बेचारे जरूरी आईपी के नीचे वाले हैं वो तब तक फंसे रहेंगे, और या ऑल इंडिया कोटा 2 में या 3 में कहीं साउथ की सीट उनको लेनी पड़ जाएगी। अब लास्ट ईयर हम यही करते थे ना कि ऑल इंडिया कोटा राउंड टू के बाद, खासकर दिल्ली के लिए, हमें देखना होता था कि आप अभी और आईपी कट ऑफ पे कितना फर्क, और भाई आप बच्चों के कमेंट्स आने शुरू हो गए कल से ही मेरे लास्ट वीडियो पे। और अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, क्योंकि लास्ट ईयर एमसीसी ने 2021 तक आईपीयू एक दिल्ली स्टेट मेरिट निकालता है। आपने भी नोट किया होगा, यूपी का फॉर्म भरा लोगों ने, हरियाणा का भरा, जिस भी स्टेट का आप भरते हो एक स्टेट मेरिट लिस्ट निकलती है, दिल्ली की तो अब तक निकली नहीं है। तो हमें यही नहीं पता कि दिल्ली में मुझसे ऊपर बच्चा कौन है, इसका मतलब क्या है। तो ये तो पक्की बात है कि ये सारी की सारी सीटें खाली होंगी। अब इसमें थोड़ा और नीचे चलते हैं और देखते हैं जहाँ से अम्बेडकर स्टार्ट हुआ है, और आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे कि ये बच्चों को मतलब सीट खराब करने में, दूसरों को दुख देने में क्या मजा आता है। ये जी अम्बेडकर का पहला अलॉटी है, बस भी ये मेरी बात को पर्सनली बुरा ना मानना, ऑल इंडिया रैंक 96, ऑल इंडिया रैंक 96 में इनको कोई एम देवघर या वहाँ नहीं जाना। आई एम 200% श्योर कि मौलाना आज़ाद मिला हुआ है। अब जिसको मौलाना आज़ाद मिला हुआ है, आपको भैया आईपी में चॉइस फिलिंग करने की क्या ज़रूरत थी? आपने जस्ट बिकॉज हमने पहले 1500 रुपये फिर 1000 रुपये दे रखे हैं तो कर दो। अगली रैंक 225 नंबर, ठीक है। अब ये 225 नंबर भी आई एम श्योर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, इनको भी मौलाना आजाद मिला हुआ है,
दिल्ली कोटा से, मतलब मौलाना आजाद आपको ऑलरेडी अलोकेटेड है, 289 314 इकट्ठे देख लेते हैं, आपको ये चॉइस फिलिंग करने की जरूरत क्या है? मौलाना आजाद अभी तो मौलाना आजाद ही चल रहा है, चले गए खैर, अब तो ऑलरेडी रैंक मौलाना आजाद, मतलब ये सारे बच्चे मौलाना आजाद में जा चुके हैं, क्या मौलाना आजाद छोड़ के ये BSA में आएंगे? 328, 335, 564 ये भी देखते हैं, 328, 334, देखिए अभी तो मौलाना आजाद चल रहा है, अभी तो अगला UCMS वगैरह स्टार्ट भी नहीं हुआ। और अगर हम वैसे देख लें, याद है जब ऑल इंडिया कोटा की लिस्ट थी, इसमें चलो और गर्ल्स का तो बाद में फैक्टर आएगा, और इसमें वो भी आ जाता है, अभी तो इसके अंदर वो भी आएगा, तो मैं पहले फिलहाल चार ले लूँ, ये मुझे एक चीज़ और इसमें से सिलेक्ट करनी है, जो कि IP कोटा जो हम जानते हैं ना कि वो अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधान महावीर का भी 85% का ये करता है, एक बारी के लिए मैं ये हटा लेता हूँ, ये हटा लेता हूँ, ठीक है ना, कोर्स भी खाली, चलो MBBS ले लेता हूँ। बॉयज़ में या अगर मैं जनरल कैटेगरी की भी बात करूँ, ये भी कर लेता हूँ, मतलब 3,000 तक तो हमको सीट मिली हुई है ना, 3,000 रैंक तक सीट मिली हुई है, ठीक है, तो आप ये सोच सकते हैं कि जब 3,000 रैंक तक सबको DU ऑलरेडी मिला हुआ है और इसको खोल देंगे तो खैर बहुत नीचे चला जाएगा, तो जितने भी बच्चे इस लिस्ट में हैं, जितने भी बीच में आप देखते जाइए, जिस मर्जी उठा के देख लीजिए, 1882 रैंक, ये सब के सब बच्चों को ऑलरेडी एक शानदार कॉलेज मिल चुका है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का शानदार कॉलेज, तो भाई तुम्हें क्या भरने, अटल बिहारी वाजपेयी, चलो ये IP के अंदर, अब IP के अंदर आपको अटल बिहारी वाजपेयी मिला हुआ है, तो क्या आप अम्बेडकर जाओगे? हम तो नीचे आ गए थे ना, और नॉट ओनली अम्बेडकर, बेचारा जो तो बीच में देखिए दूसरा कोटा आ गया, इसलिए वो थोड़ी रैंक कम हो रही है, अब नीचे फिर से NDMC आएगा, आपको मतलब आई कैन अश्योर यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट इन दिस लिस्ट, जो अम्बेडकर या जिसको NDMC मिला है, उस सबको ऑल इंडिया कोटा में सीट मिली हुई है, ऑल इंडिया कोटा छोड़िए, एक्चुअली आपको दिल्ली कोटा में दिल्ली का कॉलेज मिला हुआ है, OPN OHS, ये जो खत्म हुआ था ना, यहाँ से देखते हैं ना, मतलब ये कहते हैं 2362 रैंक आखिरी है जनरल के लिए, ठीक, आइए अब कैटेगरी बाई कैटेगरी भी देखते हैं, सारी कैटेगरी मैंने खोल दी, चलो लेडी हार्डिंग भी एक बारी के लिए खोल देते हैं, है ना, पांचों कॉलेज है ना, 2362 रैंक, ये जनरल का लास्ट है, ऐसे सब कैटेगरी का देख लेते हैं, और यही परेशानी करते हैं दिल्ली के लोग, मैं तो प्यार से समझाता हूँ कि भाई आपको जरूरत क्या है, आप अभी ना करते, और ये लोग इतनी बेवकूफ़ी करेंगे कि राउंड टू में भी कर देंगे फ्लोट, क्योंकि तो उसके बाद भी आपके पास सुविधा है विड्रॉ करने की, और फिर जो हमारे दिल्ली के बच्चे हैं जो उससे ज़रा सी नीचे हैं, वो ज़बरदस्ती ऑल इंडिया कोटा 2 या 3 में दिल्ली के बाहर के दूर दराज के तमिलनाडु केरला कॉलेज लेंगे, और फिर IP का राउंड 3 मॉप अप का होगा जिसमें सारी सीटें एक्चुअली में दी जाएंगी, तब तक तो मजाक चल रहा है, 2362। अब ये देखिए भाई, तुम्हें ऑलरेडी UCMS मिला हुआ है, क्या तुम UCMS छोड़ के इंदौर आओगे? नहीं ना, आओ जी दूसरी कैटेगरी देखते हैं, दिल्ली OBC, BACN OHS, BCN OHS, ये है जो दिल्ली के अंदर OBC है, और हम मानते हैं कि IP में दिल्ली OBC को बेनिफिट मिलता है, क्योंकि कई जात ऐसी हैं दिल्ली में OBC बन जाती है, फिर भी देखते हैं ना कि जो 14,350 रैंक वाला है उसको फिलहाल क्या मिला हुआ है, ठीक है, देखते हैं, और मैं मान सकता हूँ कि ये पटेल OBC भाई बच्चा है, क्योंकि तो दिल्ली में OBC को एडवांटेज मिलता है हम सभी जानते हैं, तो ये इस कॉलेज को ले लेगा जो नीचे वाला है, पर जो 2813 रैंक वाला बच्चा है, जिसको फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि ऑलरेडी UCMS मिला हुआ है, तो क्या आप लोगे ये वाला कॉलेज? नहीं, तो चाहे वो आर्मी वाले बच्चे थे, चाहे ये वेले बच्चे हैं, ये सब हम सीट खराब करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि IP का सॉफ्टवेयर इतना अच्छा है, 60,000 रुपये दिए जाओ, फ्लोट करे जाओ कम से कम राउंड टू तक, और राउंड टू के बाद फिर ये विड्रॉ करेंगे, लेकिन जब तक ये करेंगे तब तक बच्चों का दिल सूख चुका होगा, अब सोल्यूशन में क्या दूँ? देखिए अब प्रॉब्लम क्या है, मैं इस लिस्ट में भी जाता हूँ ना, हमने ये देख लिया कि हमें आखिरी बच्चे को कहाँ मिली है सीट, ये तो हम देख सकते हैं दिल्ली के, अब इसके बाद कितने बच्चे और हैं जो दिल्ली के हैं ये मुझे नहीं पता, एक तुक्का एक रफ एस्टिमेट आप लगा सकते हो, मैं सच बताऊँ वो हमेशा लगा सकते हैं,
कि ना हर मेरिट में दिल्ली के बच्चे कितने होते हैं, मतलब एक रफ एस्टीम लगा सकते हैं कि हर 100 बच्चों में 10 बच्चा दिल्ली का होगा। मैं लास्ट ईयर के ट्रेंड से शायद कुछ बता सकता हूँ, जो भी हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स हैं उनको बताने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन जिसको जो सुन रहा है इस वीडियो को, आप भी मेल डालो एमसीसी को, क्योंकि एमसीसी ने लास्ट ईयर दिल्ली मेरिट लिस्ट अनाउंस की थी, या आईपी को बोलो कि आपके यहाँ जिन्होंने फॉर्म भरा है कम से कम आप एक मेरिट लिस्ट निकालो कि टोटल कितने बच्चे हैं। एक बार वो मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो फिर भी हमारे लिए ये अंदाजे लगाने 90% तक एक्यूरेट हो जाएंगे। अभी तो बिल्कुल अंदाजे से चलेंगे कि हाँ भाई औसतन दिल्ली हर 10 में से दिल्ली का मेरिट का बच्चा होगा इंडिया में, तो उसके हिसाब से हम ऐसे चलें, मतलब दिस इज हाउ वी हैव टू डू द एस्टिमेट। ठीक है, सो ये है आईपीओ का रिजल्ट, मतलब घबराइए मत, जिनको नहीं मिली मैं यही कह रहा हूँ, और जितने हमारे भी क्लाइंट्स हैं मैंने बोला है कि ऑल इंडिया कोटा 2 भरिए, इस बार फायदा ये है कि हर बंदा अपग्रेड मांगे 2 से 3 का, और आईपी में तो राउंड 2 में भी यही होने वाला है, क्योंकि तो ये जो सारे बच्चे हैं आईपी वाले ये सब 60,000 रुपये दे देंगे, देखिएगा आप, और फ्लोट करते रहेंगे। सोचिए ना, मतलब कि क्या जरूरत थी भाई 96 रैंक वाले को, जो मौलाना आजाद से मिल चुका है, क्या उससे बेटर कॉलेज आप सोच रहे हो क्या? तो क्यों खाम खाम में इस अम्बेडकर का फॉर्म भरते हो? कम से कम नीचे वालों को ही मिल जाती 2-4 को एक्स्ट्रा सीट, राइट? तो ये है, ये तो मैं अपील ही बोलूंगा। एंड ओवरऑल जनरली इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू टेक अवर काउंसलिंग पैकेज और वॉन्ट्स टू टॉक टू अस, कॉल अस ऑन 9643362320। आपका दिन शुभ हो। आप, मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, हम फ्री ऑफ कॉस्ट बात नहीं करते, ना हम किसी को टेलीकॉलिंग करते हैं। आई हैव लिमिटेड टाइम, सबसे मैं ही डील करता हूँ। एमबीबीएस इंडिया का पूरा काम एंड टू एंड मैं करता हूँ, अदर देन दी फर्स्ट कॉल जो आपको मेरे ऑफिस से आती है, क्योंकि आप लोग उसमें भी कई बार डिस्कशन कह लो या बहस कह लो करते हो, और वही करने का ना मेरे पास दिमाग है, ना माइंडसेट है, ना पेशेंस है। मैं उन्हीं से बात करता हूँ जो क्वालिटी वर्क की कदर करते हैं, क्वालिटी टाइम की कदर करते हैं, और उसके लिए चार्ज देने को तैयार हैं, जो 1 करोड़ की फीस देने को तैयार है और 2,500 रुपये देने को तैयार नहीं है शुरू में, उनसे मैं बात करना पसंद नहीं करता। जो मेरी फीस उसके बाद देने को पसंद नहीं है और 1 करोड़ की प्राइवेट कॉलेज देने को तैयार है, एक का 1-10 हो जाए तो देने को तैयार है, बट काउंसलर के 50,000 रुपये 1,00,000 रुपये नहीं दिए जाते, ऐसे लोगों से मैं डील और बात करना ही नहीं चाहता। सिमिलरली जहाँ तक सरकारी बच्चों की बात है, आपको ड्रीम कॉलेज मिल रहा है, आपकी लाइफ बन गई, आप एक जैसे 1 करोड़ रुपये बच गया ना, और ये सब बचाने के लिए भी अगर आप 25-30 हज़ार रुपये देने को तैयार नहीं हो, तो फिर भगवान ही आपको सद्बुद्धि देगा फ्यूचर में जब आप बड़े हो जाओगे। एज ऑफ नाउ आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय।